वेलकम बैक टू अवर चैनल डैड क्रिएटिव कपल। आज बहुत दिनों बाद और हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग डेली ब्लॉग बनाएंगे। शुरू कर रहा हूँ आज मैं सुबह से, जो कि मैं जाता हूँ जिम सुबह और मेरी चीज़ तो अभी सो रही है तो लोग उठेगी तो वो भी आपको अपडेट देगी कैसे क्या कर रही है। तो अभी हम चलते हैं जिम और मिलते हैं आपसे जिम होकर के। और आज कुछ फंक्शन है प्रिंसी के यहाँ, प्रिंसी के बड़े पापा का गृह प्रवेश है तो वहाँ भी जाएंगे, सबसे मिलाएंगे और शुरू करते हैं आज का हमारा ये सबसे प्यारा सा दिन बिना किसी टेंशन के साथ। सो दोस्तों, जैसा कि प्रिंस ने आपको बताया था, आज मैं जा रही हूँ बड़े पापा बड़ी मम्मी के घर, क्योंकि उनका नया घर बना है तो इनॉग्रेशन है और एक छोटी सी पूजा है। तो अभी मैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं, बाद में प्रिंस आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हम लोग पहुँचे तो पूजा चल ही रही थी और भगवान जी उनके जो मंदिर के हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे थे। आप लोग भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और पूजा में बैठे थे भैया, भाभी और बड़ी मम्मी। बड़े पापा बाहर सब लोगों को रिसीव वगैरह कर रहे थे जो गेस्ट आए। वैसे गेस्ट कोई आया नहीं, घर के ही थे सब लोग। और ये हैं जीजा जी। आप लोगों ने ना लास्ट एक भागवत वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मेरे सारे घर के लोग थे। तो आप लोग अब जानते होंगे कौन है कौन, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस बार मैं बताऊँगी नहीं कि ये कौन है वो कौन है ना, तो आप लोग ज़रूर बताना। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धोलो, हस्त प्रक्षालयम् योगा, हस्त प्रक्षालयम् योगा। ओम अपवित्र पवित्र अथर्वावस्थान तो so, दोस्तों ये पूजा की क्लिप मैंने बना ली थी ताकि हमेशा के लिए याद रहे। और इसके बाद भगवान जी का स्नान करवाएंगे, तो आप लोग आगे देखिए। अब पहुंच गए, अब जो पूरो में मिला जो तुलसी पत्र डाल देंगे लो महाराज जी, तुलसी थोड़ी सी बचा लेंगे। सो गाइस, चलिए अब आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, क्योंकि पूजा बहुत लंबी चलेगी। तो बाहर ये पूजा के रूम के बाहर एक हॉल टाइप से, यहाँ आप टीवी वगैरह देख सकते हैं। और आगे की ब्लॉगें आप कान्हा के मुंह से सुनिए। देख सकते हैं तो मामा है, ये हमारा भाई है, बुक खोल के भाई हमारा करा रहा है लैपटॉप। कोई कॉन्वेंट का देख रहा हो, देख लीजिए पढ़ाकू बच्चे को। सो गाइज, अब कथा स्टार्ट हो गई। तो कथा स्टार्ट होने से पहले ये फूल लेते हैं, तो फिर उसके बाद जब कथा हो जाती है तो फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को। तो यहाँ सब लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो आप लोग सुनिए, अगर थोड़ा बहुत आपको सुनाई दे। कन्या के विवाह के समय प्रार्थना करने मात्र से भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्य कुशल अपने दामाद के सहित राजा चंद के रत्न सागर नगर में जाकर के व्यापार करने लगा। साधु की भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके भगवान। सो दोस्तों, कथा हो चुकी है, अब प्रसाद की तैयारी हो रही है। तो आंटी पे ये फल वगैरह काट रही हैं और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इधर ये बात हो रही है कि ब्लॉग बना लो, तो मैंने बोला कि ऑलरेडी मैं कान्हा या सम्राट को फ़ोन दे देती हूँ, क्योंकि ना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि पूजा चलिए अपन वीडियो बनाओ। तो ये देखिए घर का बाहर का व्यू ऐसा सा है, कुछ बहुत बड़ा एकदम फार्म हाउस टाइप का घर बना हुआ है, अच्छे से मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये बाहर का व्यू है और ये भाभी ने कुछ रंगोली डाल दी थी रात में, तो जिससे घर और सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा पूरी क्लिप ले लूँ, बट फिर कोई कभी बुलाने लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो ऐसा ही हो गया। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ जब पूजा होती है ना, तो पैर में महावर ये टीका वगैरह लगाते हैं सब एक दूसरे को, तो वही कर रही हैं आंटी सबको। इन्होंने सिंदूर और टीका लगाया, मुझे भी लगाएंगी। तो ये आप लोग अब आगे देखना। बृहस्पतये नमः स्वाहा, शुक्राय नमः स्वाहा, शनिश्चराय नमः स्वाहा, भ्रो नमः स्वाहा, कुलदेवता भ्रो नमः स्वाहा, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा,
तो दोस्तों हवन स्टार्ट हो गया है। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो भी घर में आ रहा था वो सबसे ज़्यादा जो ये भगवान जी बैठे हैं ना, राधा कृष्ण, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही बन गए थे। जो भी आ रहा था वो इन्हीं के बारे में पूछ रहा था, इतने सुंदर लग रहे थे, क्या बताऊं मैं आप लोग को। तो आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसे लगे। और अब ये बस प्रसाद के प्लेट्स लग गए हैं, तो फिर बस सबको प्रसाद देंगे और हम लोग भी प्रसाद खाएंगे। तो आगे आप लोग बने रहिए वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 सो गाइस, अब सब लोग हवन करेंगे बारी बारी से। तो भैया भाभी तो बैठेंगे ही क्योंकि वो लोग पूजा में बैठे हैं, और अब बड़े पापा और अम्मा आ गए हैं क्योंकि ना 5 लोग या 7 लोग बैठ के हवन करेंगे। तो अब सब लोग आएंगे, तो आप लोग देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। सो गाइज, अब आ चुके हैं मम्मी और पापा, और मेरी जो दीदी है ना पूनम दीदी, उनकी ये सासू माँ है। तो ये 5 लोग का ग्रुप हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड में कौन आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। और गाइज, ये छोटी सी कन्या है, तो हमारे यहाँ कन्या भोज खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ भी घर में शुभ करो ना, तो कन्याओं का भोज जरूर कराते हैं। तो जितनी भी कन्याएं आई थी उन सबको घर के अंदर खिलाया, बाकी हम सब लोग ने बाहर जो बरामदा टाइप था वहाँ पर खाया था। अब मम्मी पापा आ चुके हैं हवन करने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते। और यहाँ देखिए मम्मी और आंटी का बातों में बहुत मन लग गया था। इधर उधर से एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ वगैरह निकाल रही थी, तो ऐसा तो होता ही है। और आंटी यहाँ पर इस छोटी सी लड़की को मावर लगा रही हैं। और फिर मैं अपने आप को सेट कर रही थी, कैमरा जब भी मुझे मिलता तो देख ही लेती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। आप लोग बताना कैसी लग रही है। गाइस, इसके बाद जो पूजा में बैठता है ना उसका टीका सब लोग करते हैं, तो ये सब लोगों ने टीका किया। तो मैं जल्दी जल्दी सबके क्लिप्स ले नहीं पाई, तो ये मम्मी ने टीका किया और इसके बाद मैंने टीका किया, आंटी लोगों ने भी किया था, उसकी मैं क्लिप ले नहीं पाई क्योंकि ना फ़ोन का ही नहीं पता चल रहा था कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा। और ये भाभी, उन्होंने वीडियो बनाई तो थोड़ी वीडियो अच्छे से बन नहीं पाई। तो बस जो कुछ मैं गिफ्ट वगैरह लाई थी उन लोगों को दिया और उन लोग को बहुत पसंद आया। तो चलिए आगे फिर शायद हम लोग अब खाना वगैरह खाएँगे। तो पहले ये पापा लोगों ने खाना खाया, तो बस आगे आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों अब खाना पीना स्टार्ट हो गया, सब लोग खाना परोसने में लगे हैं। और एक ये एरिया देखिए घर के बाहर, यहाँ आप आराम से, यहाँ गार्डन बनेगा और यहाँ आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो, चाय वाय पी सकते हो। और एक ये जो बाहर का बरामदा टाइप का एरिया है ना, यहाँ बीच में आम का पेड़ लगा है और साइड में आप बैठो, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वो दिखा नहीं पाई, थोड़ा ऊँचा है पेड़, तो ये जो दिख रहा है ना इसके ऊपर एक पूरा पेड़ है आम का, उसमें आम भी खिलते हैं एकदम दशहरी आम। तो ये एरिया भी बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी मैं भी आपको बाहर से अच्छे से पूरा होम टूर दूंगी। और रंगोली ने तो 4 चांद लगा दिए थे घर के। और इसके पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये बेयर हाउस है, ये हम ही लोगों का बेयर हाउस है। और यहाँ पर ये खाना वगैरह बन रहा था, तो बहुत बड़ा एरिया, एकदम फार्म हाउस वाला आपको लुक दे रहा होगा घर। और प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चलो मैं जो नीचे का फर्स्ट फ्लोर है उसका आपको पूरा होम टूर दे देती हूँ। तो यहाँ से आप घर के अंदर एंटर करोगे, तो देखिए घर के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये एक एरिया है, तो यहाँ पर एक हॉल टाइप का एरिया है। और ये फिर साइड में किचन है,
तो आप यहाँ किचन देखिए, कितना ह्यूज किचन बनवाया है, बहुत ही अच्छा डिसेंट से लाइट कलर लिए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आप बाहर निकलोगे तो इधर एक वॉश एरिया टाइप का है, एंड देन ये वाला जो रूम दिख रहा है ये है बड़े मम्मी का रूम। और फिर आप बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते हुए ऐसे ये जो है ये एक ड्राइंग रूम है, तो यहाँ जो भी आएगा वाएगा तो ज़्यादातर वो इसी रूम में लोग आएंगे। और उसके बाद ये एरिया है जो आपको भी मैंने दिखाया था ना, यहाँ बैठ के आप टीवी वगैरह देख सकते हो। साइड में ये वाला एरिया जहाँ वॉशिंग मशीन है तो वो वॉश एरिया होगा, वहाँ बर्तन वगैरह धुलेंगे और कपड़े। और फिर ये एक मंदिर है, पूजा वाला घर है। तो और इसके बाजू में जो एक रूम मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई क्योंकि लोग बैठे थे, तो ये एक स्टोर रूम टाइप का हो गया। तो नीचे सिर्फ इतना ही, और ऊपर तो इससे भी बड़ा बना था बट वो मैं क्लिप ले नहीं पाई। फिर देन सबने खाना खाया और खाना बहुत टेस्टी लग रहा था, पूजा का खाना तो टेस्टी लगता ही है गाइस। और फिर पूरा बाहर बहुत ज़्यादा एरिया है घर के बाहर, तो हम लोग पूरा घूम रहे थे खाना पीना खाकर। तो ये देखिए कि ये बाहर से ऐसा लुक है घर का। और फिर प्रिंस इतनी लेट आए 4 बजे, तो फिर उन्होंने 4 बजे खाना खाया, एंड फिर क्या, फिर जाने की बारी आ गई तो पैरों में महावर लगाया, और कुछ कन्या आ गई थी तो इन लोगों को चुनरी वगैरह चढ़ाई, खाना दिया, एंड बस जाते जाते चाय पी, एंड फिर जो होता है ना टीका वगैरह, तो हमारा टीका हुआ। तो आगे आप लोग देखिए। हम लोग आ चुके हैं लौट के वापस, तो मैं सोचा लोग शूट करवा लूं क्योंकि ना अपन सोच के तो जाते, बट यहाँ लाइट प्रिंस ऐसी नहीं आ रही कि तुम्हारा लुक अच्छा आ पाए, क्योंकि ये लाइटिंग कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती ना ये। नहीं लेकिन फिर भी वो जो नेचुरल लाइटिंग होती ना उसकी बात अलग, तो आ रहा होगा ऐसे तो बहुत कछु आ रहा हो। चलो अब मैं थोड़ा अपने काम कर लूं, मेरा लैपटॉप वहां तैयार है, एक बार एक फोटो खींचने की कोशिश कर देते हैं। अब रात के बज चुके हैं 8 और मैं लेट गई हूँ, अपने स्पेक्स में आ गई हूँ नॉर्मल हालत में, और प्रिंस का काम चल रहा है, तो भाई अब मैं तो सोऊंगी और लेट्स मीट हिम व्हाट ही विल डू। काम भैया मैं गाइस मैं क्या कहते ऑफिस का काम कुछ इस पोजीशन में करता हूँ और जब ऑफिस में बैठते थे तो फिर इन्हें हर तरीका आजमा लिया ये। हाँ अभी मैंने इस पे रख के थोड़ी देर रखा इस पे, बट दूसरी वाली एक टेबल थी वो भी लेके आ गए, बट इतने दिन से कह रहे हैं मतलब कि समझ लो एक महीने से कह रहे हैं कि जो वो बेड टेबल रहती ना वो लेके आएंगे, बट अभी तक नहीं लाए, इतना आलसी हैं। और फिर घर का एक एक सामान उठा के लाएंगे कि इसमें रख के देखूँ उसमें रख के देखूँ, कल लाओगे या नहीं।